नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की सुबह की नो स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। आज से करवट बदलेगा मौसम, 5 जनवरी को येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 3 से 5 जनवरी तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने की संभावना है। इस दौरान मैदानों में बारिश व पर्वतीय भागों में बर्फबारी के अनुमान है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसी बीच राज्य में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और कई शहरों को रात का पारा माइनस में बना हुआ है। आतंक पर आस्था, भारी साल के पहले दिन रिकॉर्ड 2.25 लाख श्रद्धालु पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में नववर्ष के पहले दिन आतंक पर आस्था भारी पड़ी है। शनिवार को प्रदेश की प्रसिद्ध शक्तिपीठों और सिद्धपीठ में 2.25 लाख के करीब रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन कर साल के पहले दिन का आगाज किया। इससे पहले 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु ही नववर्ष के पहले दिन मंदिरों में पहुंचते थे। वहीं राजधानी शिमला में नववर्ष की पूर्व संध्या पर भले ही आतंकी संगठनों की धमकी के बाद हड़कंप मच गया हो या वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से 12 लोगों की जान चली गई हो, लेकिन सुबह की शक्तिपीठों में श्रद्धालु बेखौफ सुबह से ही लाइनों में लगे रहे। देर शाम तक मंदिरों में लाइनें लगी रही। हालांकि वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के बाद मंदिरों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वहीं श्रद्धालुओं को लाइनों में नियंत्रित करके ही भेजा गया। पुलिस जवानों की दिन भर नजर रही। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, इस बार इंजन ही बदल देगी हिमाचल प्रदेश की जनता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। इस इंजन में खराबी आ गई है और यह मरम्मत के योग्य नहीं बचा। इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता इंजन ही बदल देगी। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंडी रैली में कई बार डबल इंजन की बात की है। उन्होंने धर्मशाला के बाद मंडी में जनसभा की, लेकिन कोई घोषणा नहीं की। इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री और उनकी टीम केंद्र के समक्ष अपनी बात ही नहीं रख पाते हैं। हाल तो तब होता है जब अपनी बात रखते मुख्यमंत्री केवल अपना समय काट रहे हैं। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब दिल्ली से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, हिमाचल में कोई काम कर नहीं पा रहे, तो डबल इंजन है कहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि मरम्मत हो जाएगी, पर इंजन बदल कर भी कुछ नहीं होगा। नई सरकार आएगी, जनता ने मन बना लिए, हमने 4 सीटों पर विजय पाई है। वहीं मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मंडी हमारी है। मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि वो क्षेत्रवादी और जातिवादी है। पिछला साल जनता ने कांग्रेस के नाम लिखा। प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि ये उनकी फ्लॉप टीम है, 4-0 से हार कर आई है। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय व छावनी परिषदों को जारी किए 47 करोड़ रुपये। 15वें वित्त आयोग की तरफ से स्थानीय निकाय व छावनी परिषदों को करीब 47 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की है। इसके तहत 5 नगर निगमों को 20.15 करोड़ रुपये से अधिक, नगर परिषदों को 19.59 करोड़ रुपये, नगर पंचायतों को 5.34 करोड़ तथा छावनी परिषदों को 1.71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि चालू साल से मिली है। वित्त आयोग की तरफ से संस्तुतियों के बाद केंद्र सरकार ने प्रदेश की टाइड ग्रांट यानी चिन्हित कार्यों पर इस राशि को खर्च करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार वित्त आयोग की संस्तुतियों के बाद बीते माह यह राशि जारी कर दी गई है। रिज को उड़ाने की धमकी के बीच शिमला में चली गोलियां, मचा हड़कंप। पाकिस्तान की ओर से रिज को उड़ाने की धमकी के बीच शिमला में गोलियां चलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। शनिवार शाम को जुंगा के समीप एक व्यक्ति ने कार चलाते हुए हवा में पिस्तौल से 2 फायर किए। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग घरों के अंदर छिप गए। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है और 20-22 साल से चाइल में रह रहा है। वहीं इस व्यक्ति का दिल्ली में किसी से जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा है। आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के 82 नए मामले, एक की मौत, अब तक 3,860 की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 82 नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हुई है। यह मौत शिमला जिला में एक 65 वर्षीय व्यक्ति की हुई है। यह व्यक्ति कोविड के साथ साथ निमोनिया और कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट से भी जूझ रहा था। इस व्यक्ति की मौत से प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 3,860 हो चुका है। नहीं तो शिमला में करेंगे महारैली।
नई पेंशन कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के आदेश अनुसार शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और केंद्रीय पाठशाला माकड़ी के सभी एनपीएस से संबंधित सदस्यों ने गेट मीटिंग पर भाग लिया। इस मीटिंग पर राज्य के उपाध्यक्ष संजीव शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने मीटिंग में सदस्यों से चर्चा करते हुए कहा कि आज 1,00,000 के लगभग एनपीएस सदस्य अपने विभागों के बाहर इस मीटिंग को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बजट सत्र से पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, तो बजट सत्र के दौरान शिमला में महारैली करेंगे। इसके अलावा इस मीटिंग में राज्य के उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि जिसमें कि पूरे प्रदेश से 1,00,000 एनपीएस सदस्य भाग लेंगे और हम तब तक घर वापस नहीं आएंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है। मीटिंग के दौरान सभी सदस्यों ने संकल्प लिया कि हम तो शिमला चलेंगे और अपने आसपास के सभी एनपीएस के साथियों को महारैली में पहुँचाएंगे। नए साल में डिपो में सस्ता हुआ सरसों का तेल, रिफाइंड तेल के दामों में बढ़ोतरी। नए साल में सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल सस्ते दामों पर मिलेगा। वहीं रिफाइंड तेल महंगा हुआ है। डिपो में नए साल में जनवरी माह का राशन पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं जनवरी में डिपो संचालकों के पास राशन के नए दाम भी आए हैं। डिपो संचालकों से मिले राशन के दामों के अनुसार जनवरी माह में डिपो में सरसों तेल APL उपभोक्ताओं को 16 रुपये, NFSA को 10 रुपये और APLT को 12 रुपये सस्ता मिलेगा। वहीं दिसंबर माह में सरसों का तेल APL उपभोक्ताओं को 167, NFSA को 147 और APLT को 197 रुपये मिला था। वहीं डिपो में रिफाइंड तेल महंगा मिलेगा। रिफाइंड तेल के दामों में APL में 3 और NFSA में 18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। डिपो में APL को रिफाइंड तेल 140, NFSA को 135 रुपये। वहीं दालों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ दालें 1 रुपये तक सस्ती भी हुई हैं। मलका दाल में APL व NFSA को 19 रुपये और APLT में 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस माह APL को मलका दाल 75 रुपये मिलेगी। इसी तरह NFSA उपभोक्ताओं को 65 और APLT को 99 रुपये में मलका दाल उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में क्लास 4 पदों के लिए भर्ती नियमों में भी छूट, सीधी कोटे पर भर्ती। हिमाचल के सरकारी कर्मचारी के सेवा के दौरान निधन पर परिवार को मिलने वाली अनुकंपा धार की नौकरी के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जयराम सरकार ने क्लास 4 के पदों में इन भर्तियों के लिए लागू 5% की सीलिंग यानी सीमा को हटा दिया गया है। हालांकि अभी अंतिम अधिसूचना होना बाकी है। कैबिनेट में फैसला हो गया और अब फाइल मुख्य सचिव को सबमिट हुई है। पिछली 20 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें करुणामूलक भर्ती नीति की समीक्षा की गई थी। हिमाचल में नए पे रिविजन रूल्स फाइनल, अब अधिसूचना का इंतजार। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को नया वेतन आयोग मिलने जा रहा है। नए पे रिविजन रूल्स फाइनल हो गए हैं और विधि विभाग को गई फाइल फाइनेंस में लौट आई है। शनिवार को दोपहर बाद विधि विभाग ने इस फाइल को लौटाया है। अब वित्त विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी करनी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना शनिवार को क्योंकि शिमला में नहीं थे, इसलिए हो सकता है कि सोमवार तक उनका इंतजार किया जाए। फाइनल हुए पे रिविजन रूल में कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए 2 विकल्प गुणांक के दिए जा रहे हैं। इसमें 2.25 और 2.59 शामिल है। तीसरा विकल्प 15% सीधी हाई का है, वह यहाँ नहीं मिल रहा है। नई बात यह है कि नए वेतन आयोग में कर्मचारियों को स्टेप अप की सुविधा मिलेगी और इंक्रीमेंट के लिए भी 2 विकल्प रहेंगे। 1/1/2016 के वेतन पर गणना इंक्रीमेंट के साथ करनी है या बिना इंक्रीमेंट के करनी है, यह कर्मचारी चुन सकेंगे। इसके अलावा बात करें तो हिमाचल में नए पे कमीशन की अधिसूचना जारी होने से पहले ही पे स्ट्रक्चर लीक हो गया है। बहुत से कर्मचारी ग्रुपों में सोशल मीडिया पर पे रिविजन रूल्स के करीब 22 पेज डाल दिए गए हैं। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले कर्मचारी संगठन के सोशल मीडिया ग्रुप में ये पेज दिखे। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।